हे फ्रेंड, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे डेंडोग्राम, जो एक एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का पार्ट है, हायरार्किकल्स में आता है, उसके टाइप टू के न्यूमेरिकल्स पे। तो ऐसा कुछ सम्स आता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा दिया रहता है और इस फॉर्म को आपको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना, राइट। इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ लगने वाली, यूक्लिडियंस फॉर्मूला। यूक्लिडियंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस निकालना है ए टू बी का, सो ए टू बी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा आपको एस वन। इसी तरह आप पूरा टेप डिस्टेंस निकाल सकते हो, ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, फिर बी टू सी, बी टू डी, बी टू ई, देन सी टू डी, सी टू ई, एंड लास्ट में डी टू ई। अब ये सारा डिस्टेंस निकाल के हम करते गए, मैंने तो ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो आपको डायरेक्ट ना वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बता दो। तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो कैसे बनता है, एज ए बी सी डी ई, ये आपके प्लॉट्स है ए बी सी डी ई इन अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। डायगनली मैं इसे जीरो ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बाकी डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अब ए टू बी का डिस्टेंस हमने निकाला था वन, बाकी मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 1.41, दिस इज ऑल्सो 1.41, दिस इज 1.58, दिस इज 2.24, दिस इज 1 एंड दिस इज 2.12, दिस इज 2 एंड दिस इज 0.71 एंड दिस इज 1.58। अब करना क्या, आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है, द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे दो, यहाँ पर आप मिनिमम वैल्यू जब सेलेक्ट कर रहे होंगे 0.71, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और ये मर्जिंग किसकी दिखा रहे हैं, डी और ई की। तो आपको करना क्या है, डी और ई को सिंपली मर्ज कर देना है, बाकी को एज इट इज। तो ए बी सी ऐसे ही रहेंगे, डी कॉमा ई ये मर्ज हो जाएंगे, तो ए बी सी और यहाँ पे डी कॉमा ई मर्ज कर दें। अब जो ये सम्स है आपको टोटल तीन तरीके में आ सकता है, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज। सो ये वाला सम हम सिंगल लिंकेज के लिए करते हैं, और बाकी के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो टाइप वन है डेंडोग्राम का, तो उसमें मैंने तीनों भी तरह एक्सप्लेन किया है, इसमें मैं सिर्फ एक सिंगल लिंकेज लेता हूँ, फाइन। सो अब मुझे मर्ज करना है, आई एम सॉरी, सी और ई को मर्ज करना है, नॉट यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे सी और ई को मुझे मर्ज करना है, ओके। सो ये यहाँ पे सी और ई था ना इसका, जस्ट सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे मुझे मर्ज करना है सी और ई, पहले डायगनल मैं जीरो कर लेता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वैल्यूज, ए टू बी ऑलरेडी मेरे को डिस्टेंस पता है, वैल्यू इज़ वन, देन यहाँ तक है 1.41, बी टू डी का वैल्यू अगर लोगे तो आप 2.12 है, सॉरी बी से लेके डी तक का वैल्यू इट्स 1 एंड ए टू डी तक का वैल्यू इज 1.41। अब ए टू सी और ए टू ई, क्योंकि ये सिंगल लिंकेज है तो मुझे मिनिमम वैल्यू लेना है, सो ए टू सी और ए टू ई 1.41, 1.58, इन दोनों में मिनिमम कौन है 1.41, तो मैं 1.41 लेता हूँ। अब बारी आता है बी टू सी और बी टू ई, तो बी टू सी और बी टू ई में वैल्यू मिनिमम कौन सा है 2.12, तो मैं यहाँ पे 2.12 ले लेता हूँ। और डी टू सी और डी टू ई, डी टू सी और डी टू ई, अभी यहाँ पर तो वैल्यू है नहीं तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं, डी टू सी और डी टू ई, तो इनमें मिनिमम वैल्यू मुझे मिलने वाला है 2, तो ये वैल्यूज मिल गया। अब इसमें दोबारा आपको मिनिमम चेक करना है, तो मिनिमम क्या है 1 है, अब 2 1 है, तो आप कोई भी एक 1 ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाला 1 ले लेते हो। अब मर्ज किसको करना है, मुझे ए और बी को मर्ज करना है, राइट। सो मैं ए और बी को मर्ज करता हूँ, यानी कि इट विल बी ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, सी और ये आपने पहले से मर्ज करके रखा। सो यहाँ पर हम एंट्रीज कर लेते हैं 0 0 0, वो एज इट इज ए बी टू सी ई, हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी है, ए ए और बी को मर्ज किया, राइट हमने, तो ए बी टू सी ई का जो डिस्टेंस होगा वो, क्योंकि सिंगल लिंकेज है तो मिनिमम वाला फंडा ए टू सी और ए टू ई, तो ए टू सी, ए टू ई, फिर बी टू सी, बी टू ई, तो 1 2 3 4, ये चार वैल्यू 1.41 2.24 वही है, और इसमें सबसे मिनिमम है 1.41, तो यहाँ पे मैं 1.41 लिख लेता हूँ। सिमिलरली बाकी सारे वैल्यूज भी है, मैंने पहले से कैलकुलेट किया, तो 1 और 2 ये डिस्टेंस हो गए, एक बार डिस्टेंस हो गया तो इसमें वापस से मिनिमम सबसे कौन सा है, ये वैल्यू मिनिमम है, तो आपको ज्वाइन कर देना है, ओके। सो ज्वाइन किसका, ए बी और डी का, तो आप ज्वाइन कर लो ए बी डी, यहाँ पे आ जाएगा सी कॉमा ई, यहाँ पर भी आ जाएगा ए बी डी, और यहाँ हो जाएगा सी कॉमा ई, दोबारा से 0 0 हो गया। और अगर आप ये डिस्टेंस दोबारा ए बी डी टू सी ई निकालने जाओगे, मतलब ए टू सी, बी टू सी, फिर डी टू सी, ऐसे तो 1.41 2.24 2, ये तीन वैल्यू, और उसके बाद है आपके पास ए टू ई, बी टू ई, ए टू ई, बी टू ई और सी टू ई, तो इसमें इन सब में जो सबसे मिनिमम वैल्यू जो मिलने वाली है आपको
वो है जीरो, सॉरी डी टू ई था, तो इसमें आपको मिलेगा 1.41 अगेन. सो 1.41 मिला, तो ये आपका फाइनल डिस्टेंस हो गया. एक बार ये फाइनल डिस्टेंस मिल गया, बचता है आपका डेंडोग्राम, तो डेंडोग्राम बना लेते हम. सो आप यहाँ पे डिस्टेंस ले सकते हो, अपने पास 0.71 है, 1 है, 1.41 है, बाकी प्लॉट्स है 1, 2, 3, 4, 5. सो अभी डेंडोग्राम को बस ज्वाइन करना है, राइट. सो 1 और 2, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला जो मिनिमम वैल्यू था 0.71, किसका मर्ज है ये, सी और ई का. तो सी और ई को मर्ज करना है, सर यहाँ पे सी और ई है, यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो सी और ई को मर्ज करता हूँ मैं, या फिर मैं करता हूँ यहाँ पे डी और ई को यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, ईजी रहेगा मर्जिंग. तो सी और ई मर्ज हो गया, राइट. इसके बाद जो हमारा अगला मर्ज था वो था एट डिस्टेंस वन, सॉरी एट डिस्टेंस हाँ वन, किसका, ए और बी का. सो ए और बी ये रहे एट डिस्टेंस वन, इन्हें ज्वाइन कर दो. इसके बाद जो अगला मर्ज आया हमारा, अगेन एट डिस्टेंस वन, किसका है, ए बी और डी का. तो ए बी और डी को आप यहाँ पे मर्ज कर दो, ए बी और डी, ये मर्ज हो गए, राइट. इतना पूरा मर्ज बन गया. और फाइनल मर्ज जो है हमारा 1.41 ए बी डी और सी ई का है, उसको मैं किसी दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यानी कि आपको ये मर्ज कर देना है यहाँ पे, और ये है आपका फाइनल डेंडोग्राम. तो ये सिंगल लिंकेज था, तो उसके थ्रू जो डेंडोग्राम बन सकता था वो ये है. बस मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये था कि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, वो कुछ ऐसा रहेगा जिसे आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिखाना है. ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ में आओ. दैट्स इट फॉर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको वीडियो पसंद हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी बहुत से वीडियोज आने वाले हैं. और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें ऐसे समझने की जरूरत है, जो हम काफ़ी सिंपल तरीके से समझाते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.